यस, हमारा जो सेकेंड मैच है स्टार्ट हो चुका है एंड सेकेंड मैच इज बिटवीन घाटकोपर सुपर किंग्स एंड घाटकोपर नाइट राइडर्स अगेन बॉलन की टीम हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे दो फ्लैश डायनेस्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है एंड एक अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है, एक डाउन बॉलर ने कर दिया है एंड डायनेस्टी यहाँ पे आप देख सकते हो बॉलर ने एक और किल ले लिया है पीछे से। जो हमने अरेंज किया फॉर गेम इंस्टीट्यूट गेमिकॉन प्रेजेंट्स सीएस2 चैंपियनशिप एंड इसी की तरह ये सेकंड मैच है, पहला मैच हो चुका था घाटकोपर नाइट राइडर्स वर्सेस घाटकोपर इंडियंस पे, एक्चुअली आईपीएल बेस्ड थीम रखा है, घाटकोपर इंडियंस इमर्ज टू बी एज अ विनर्स इन दैट मैच एंड ये सेकंड मैच चल रहा है। वापस एक बार घाटकोपर नाइट राइडर्स को एक क्या मिल रहा है, एक चांस मिल रहा है अपने आप को परफॉर्म करने के लिए, उन्होंने सही तरीके से ग्रैब कर लिया है। टेररिस्ट है ऑब्वियसली दिस मैच फेवर सिटी बट जिस तरीके से वॉलिन की टीम सिंक्रोनाइजेशन के साथ चल रही है दे हैव गॉट वन राउंड इन देयर पॉकेट। अच्छा खासा स्मोक फिर से एक बार देखने मिलेगा एंड आइस क्यूब इज गोइंग अहेड, ही स्पॉट समवन बट ही फॉल्स बैक कुछ ज्यादा यू नो परफॉर्मेंस दिया नहीं था एंड आई स्क्यूब टेक डाउन बट आई थिंक उनको थोड़ा अभी स्टेप अप करना पड़ेगा अपना गेम बिकॉज एंड यहाँ पे लुका बैड इज विद the shotgun as he prefers but and yes Zuka Band actually Nexus ko down kiya with the shotgun nice but Dynasty here takes the round again for GKR and GKR right now dominating GSK विक्टोरियस आए सो आई थिंक उनको अग्रेसिव उनका जो एक यू नो स्ट्रेटेजी है कि वही कंफर्टेबल उनका कंफर्ट जोन आप बोल सकते हो जीकेआर का कि एग्रेसिव पुश कर सो आई थिंक उनको वही कंटिन्यू रखना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त थोड़ा शिफ्ट वॉक करते करते हमें देखने को मिल रहे हैं वो सिटी एग्रेसिवली जा रहे हैं, आइस क्यूब को होल्ड पे रखा, आइस क्यूब थोड़ा सा डैमेज मिला बट यहाँ पे जो अलग ही ये आप देख सकते हो अलग ही थोड़ा उधर सिटी अलग ही ए साइड पे बैठी है सॉरी बी साइड पे बैठी है बट यहाँ पे आप देख सकते हो जीकेआर पूरी तरह से एक बी का बैड अगर पुश करने आ गए तो क्या शिकार बन पाएंगे, इनके पास शॉटगन है और शॉटगन गॉड इनको बोला जाता है। रॉकी विल टेक दिस राउंड फाइनली, एक पिक मिलता हुआ 4v4 घाटकोपर सुपर किंग्स आई थिंक जीएसके विल टेक दिस राउंड एंड यहाँ पे लुका बैड द थाला ऑफ जीएसके, यस थाला काफी लो नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे और यहाँ पे सोप यानी साबुन वहां पे दिख रहे हैं हम लोग को लेकिन 2v2 है ये और सामने वाले इनक्रेडिबल लुका बैड इट्स 2v1 एंड कैन दे डोंट हैव डोमिनेंट दिखा रही थी बट सेकंड बाद में थोड़ा चार राउंड पांचवे राउंड पे वो सामने वाली टीम ने जीकेआर ने कमबैक दिया था। इस वक्त GKR is the team who is dominating right now. So let's see GSK को इस वक्त you know आगे बढ़ना पड़ेगा because उनका परफॉर्मेंस अगर आप देखते हो तो सिर्फ तीन लोगों का खाता खुला है, दो लोगों का अभी तक खाता नहीं खुला है यहाँ पे। जी हाँ, exactly.
and Soap needs to step up, Harshit needs to step up for this team. Right now, everything is on Mr. Lobo. How he will coordinate with his teammate because he is the IGL. Captain भले ही थाला हो, लेकिन थाला ने फिलहाल गायकवाड को कैप्टनशिप दी है. वैसे यहाँ पे भी थोड़ा कैप्टनशिप का ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिल रहा है. और आप देख सकते हो नेक्सस ने पीक लेने की कोशिश, लेकिन थोड़ा सा डैमेज यहाँ पे आप देखने को मिल सकता है. बट आई डोंट थिंक वो पुश करने की कोशिश करेंगे. यस, उनको करना भी नहीं चाहिए इस वक्त पुश, बिकॉज पुश थोड़ा महंगा हो सकता है इस वक्त. जी हाँ, और वॉलन अपनी टीम को एकदम सिंपल सा कोऑर्डिनेशन करके बोल रहा है. अच्छा कर रहा स्मोक यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम AR. डायनेस्टी विल टेक डाउन लुका बैड. लुका बैड का ग्रीडी पिक और उनको भुगतनी पड़ेगी. एंड आई थिंक यहाँ पे वो रोटेट करने की कोशिश, बी की तरफ जाने की कोशिश, जहाँ पे अकेले मिस्टर लोबो है, उनका भी ध्यान नहीं है उस वक्त. क्या मिस्टर लोबो रश रोक पाएंगे? That was an incredible volley. It's 3-5. Pura ka pura dharam dhar Mr. Robo ke upar. Yahan pe rush kar rahe hain Mr. Robo bhi aage aate hue. But Ice Cube ko shayad unki position pata nahi hai. And Mr. Robo ne kill diye. 3 kills from Mr. Robo. He is playing huge. Unhone rush to roka hi aur saath mein 3 kills le liye. It's 3-1. And अगर आप देखोगे तो मिस्टर लोबो ने 3 किल्स वहाँ पे एक जगह से लिए. तो बहुत अच्छा गेम प्ले यहाँ पे हम देख रहे हैं. अच्छा खासा एक कमबैक हो सकता है. दिस माइट बी अ मोमेंटम चेंजर ऑफ दिस पर्टिकुलर मैच. हट के ऊपर सुपर किंग्स का कमबैक क्या हमें देखने मिलेगा? लाइव चैट में प्लीज टेल अस. नो यस, लेट अस नो. सो लेट्स सी, द राउंड हैज बीन स्टार्टेड. यहाँ पे लीड तो अभी भी आप GKR के पास ही है, लेकिन GSK कभी भी बाउंस बैक कर सकती है. बिकॉज अभी जस्ट हमें देखने को मिला है कि कैसे उनके एक प्लेयर ने जस्ट एक अच्छा सा क्लच हमें देखने को मिला है. सो लेट्स सी बॉलन यहाँ पे नेड्स की बरसात करते हुए ऑन विंडो. बट विंडो पे कोई है नहीं इस वक्त और उनकी टीम पूरी तरह से क्लॉक्ड है ए साइड पे. पैलेस पे एक बंदा है जो कि रॉकली जो है पैलेस पे बैठे हैं एंड बाकी के सारे ए मेन की तरफ है. जी हाँ, क्या कमिटमेंट हो सकती है इस बार? स्मोक है, सारी यूटिलिटीज ऑन पॉइंट है. डायनेस्टी विद दैट फ्लैश विल डेफिनेटली नो ही इज गोइंग फॉर दैट स्मोक. ये स्मोक जैसे ही डिप्लॉय होते हैं उनको साइड पे कॉन्टेस्ट लेना पड़ेगा. जी हाँ, लेट्स सी पैलेस और सोप. आप देख सकते हो रॉकली के पास बाय नहीं, रॉकली पैलेस से पुश कर रहे हैं. दैट वाज समथिंग. एंड ओ आप देख सकते हो कि कैसे यहां पे पुश कर दिया है. मिस्टर ने अनटाइमली देखा. ओ नहीं, मिस्टर रॉकली विल टेक डाउन. यस, नेक्स्ट विल टेक डाउन सोप. यस, वॉलन वॉलन आप देख सकते हैं क्या वॉलन यहां पे वॉलन भी दो इसको सीधा कॉल बैक किया है. यहाँ पे उनको पड़ रही है सिटी का अच्छा खासा इंटेल है वॉलन का. उनके पेशेंस की मैं दाद दूंगा, बहुत ही अच्छा पेशेंस लेवल है उनका. बट हर्षद और डब्ल्यू लुका बैड के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है. मिस्टर लोबो भी आई गेस जिंदा है. यस जी हां, और यहां पे टीम फ्लैश होते हुए बाय मिस्टर लोबो ने एक बॉलिंग को यहां पे और हर्षद ने नेक्सस को यहां पे नेक्सस पे डाउन एक बार टर्निंग पॉइंट. सिटी के पास कंट्रोल था पहले भी यहां पे क्या रॉकली का नहीं. रॉकली अकेले ही टीममेट अकेले ही बंदे बचे थे अपने टीम से. So, but to be honest, फिर से एक बार momentum shift, मतलब ये पूरा का पूरा control team वालों के पास था. I guess उनको rotate करना चाहिए था. अगर bowling वहाँ पे pick नहीं कर पा रहे थे, वो पूरा sandwich हो गया उनका. City से भी बंदा मार रहा है, mid पे भी बंदे हैं. So it was window से भी आ रहा था. So it was a pretty crucial moment for bowling. लेकिन अगर पीछे अगर plant हुआ था, I guess इसलिए उनको रुकना पड़ा. लेकिन उनके पास spots नहीं थे hold करने के लिए. और सारी टीम जो थी वो ऑन साइड मौजूद थी. तो एकदम क्रूशियल मोमेंट था. बट एनीवेज, घाटकोपर सुपर किंग्स आर फॉलिंग अगेन इनटू द ट्रैक. 2-3 है. एंड आप देख सकते हो घाटकोपर सुपर किंग्स के जो सोप है वो इस अभी भी उनका खाता खुला नहीं है. सो आई थिंक उनको अपना लाइफ बॉय साबित होगा. उनको हमेशा के लिए रहेगा या फिर वो खाता खोलेंगे? आपको क्या लगता है, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? मुझे तो लगता है उनको खाता खोलना चाहिए इस वक्त और खोल लेंगे. आई थिंक इस राउंड में तो खोल ही बोल सकता. Anyways, थोड़ा प्रेशर लेके खेलते हैं सोप का. हाँ. अगर हम देखे गेम स्टूडियो की टूर्नामेंट, लुका बैड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये काफी क्रूशियल मोमेंट रहेगा. अगर लुका बैड पेशेंस लेवल दिखाएंगे तो आई गेस दो पिक्स तो लेके ही जाएंगे. पिक मत करो, पिक मत करना. Context, Rockley will go down, I guess. Rockley, Ice Cube coming ice hai. Cube, ice Cube spot gaya. And but Ice traded. Traded. अगर वो Ice Cube का kill लेते हैं ना, तो it was a huge impact for this kid. Because Ice Cube एक अच्छे खासे player है. He can provide support what Wallen needs, what Dynasty needs. Oh, यहाँ पे Dynasty will take up this round. Finally, यहाँ पे जो context में जिसका पकड़ा भारी है, वो है Terrorist. Yes. Dynasty पे अच्छा खासा control है mid का. बट बहुत लो हो चुके 5 HP.
एंड वहाँ पे नेक्सस होल्ड करते हुए बट बैक साइड होल्ड करते हुए नेक्सस हमें नजर आ रहे हैं. नेक्सस तेरे पे आएगा क्या? और यहाँ पर अर्चन ने स्पॉट तो कर दिया लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस द शॉट. प्रॉपरली हेड दिखा रहे थे नेक्सस ने, अपना हेड दिखाया था, थोड़े से शॉट मिस हो गए. बट डायनेस्टी और दिस मैन is yes. an important asset for team Ghatkopar Knight Riders. See, he is carrying. Wallen को support की जरूरत थी, तो ये तीन हुकुम के एक के ना, Wallen के Dynasty, Wallen और Ice Cube, ये ही पूरा मैच आपको पलट के दे सकते हैं. Nexus भी अच्छा perform कर रहे हैं. Rockly थोड़े underdog हैं, but anyways, let's see. सामने Soap का चलना बहुत जरूरी है. It's 2-4. Team is strong, but why not Soap is performing? That is the biggest question. Yes. Let's see क्या होता है, because Soap को of course step up करना पड़ेगा. बिकॉज अगर उन्होंने स्टेप अप नहीं किया तो 4v5 अगर 4v5 तो नहीं खेल सकते, ऑब्वियस सी बात है. ऑब्वियसली दैट्स वेरी ऑब्वियस बिकॉज दिस इज अ टीम गेम. आपका एक भी अगर प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है टोटली इंपैक्ट्स ऑन द होल टीम परफॉर्मेंस. बट समहाउ कि जो भी स्ट्रॉन्ग हार्टेड प्लेयर्स रहते थे समहाउ टेक दैट हीट ऑन देमसेल्फ. एंड लेट्स सी यहां पे वो लुका बैड को मिड पिक शॉटगन से मिड पिक नहीं करना चाहिए बिकॉज लॉन्ग रेंज फाइट शॉटगन से बहुत ही डिफिकल्ट होती है. यहाँ पे आई थिंक अंडर पास से जाते हुए नजर आ रहे हैं हमें. बट लोबो मिस्टर लोबो के पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप है. सो क्या ये अपना ऑप का जलवा दिखा पाएंगे? लेट्स सी होप सो बिकॉज ही इज अ गुड प्लेयर ऑफ ऑपिंग एज वेल. यस एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लुका बैट जो है थोड़ा डैमेज हो चुके हैं. टेररिस्ट जो है वो थोड़ा जंगल मिड पे तरफ थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ले रहे थे, थोड़ा सोच रहे थे. लेट्स सी, मुझे लग रहा है कि एक कमिटमेंट करेंगे. व्हाट इज योर टैक्टिकल गेम सेइंग अबाउट दिस हश? आई थिंक उन्होंने रोटेट कर दिया है पूरी तरह से. यस यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजर्स को डाउन कर देंगे. बट इट इज ऑन सोप. लेट्स सी क्या वो 99.99% वो अपना खाता खोल पाएंगे. दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. सोप क्या अपना खाता खोल पाएंगे? सोप खोलिए खाता जी. हाँ खाता खोल दिया है. What to you by Game Institute, खाता खोलो 0% and I don't know. खाता खोलो मूवमेंट के साथ डायनेस्टी ने उनको खाता खोलो नॉक कर दिया है. और यहाँ पे शैंक अपने ही शब्दों में थोड़ा उलझे हुए. हाँ अगर कोई भी ये देख रहा हो, कोई भी बैंक रिलेटेड मार्केटिंग टीम का हो, तो प्लीज हमें स्पॉन्सर कीजिए बिकॉज ऐसे मूवमेंट में हम लोग आपको एकदम इनक्रेडिबली पिच कर सकते हैं. खाता खोलो मूवमेंट ड्रॉप टू बैक को तक महिंद्रा में ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं. यस मैं तीनों भी कर सकता हूं. ये तो हां तो कर दो मैं नहीं ड्रॉप नॉट स्पॉन्सर्ड बाय कोटक महिंद्रा बैंक. हां स्पॉन्सर्ड बाय गेम इंस्टीट्यूट. गेम इंस्टीट्यूट गेम इंस्टीट्यूट यस डोर से कर लो कि कॉर्नर. चलो पैसा खाते में बढ़ रहे हैं हमारे. सो लेट्स गो ऑन टू द मैच अगेन. पैसा तो बढ़ेंगे. फ्लैश करूंगा एंड यहाँ पे आप ए कमिट कर रहे हो शायद से. मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ए कमिट बहुत पेशेंसली स्मोक आया है. यस लेट्स सी डायनेस्टी पैलेस जाते हुए चुपके से जा रहे हैं. अगर वो डायनेस्टी का वहां पे पैलेस में बहुत यस तो लेट्स सी. और यहाँ पे डायनेस्टी पूरी तरह से स्मोक्ड आउट हो चुके हैं. वॉलन पूरा अंदर घुस चुके हैं सीटी की तरफ जाते हुए. नाइस यहाँ पे वॉलन ने एक अच्छा पिक निकाला. लेकिन स्मोक में तो कोई है नहीं उनको शायद उनको. यहाँ पे ब्लेजर्स ने आप देख सकते हो कि कैसे दो किल्स निकाल लिए. बट शॉटगन का यस पटका पड़ते हुए घुस घुस के मारा है. दादागिरी चल रही है इधर. 2-5 है. क्या स्पाइक डिफ्यूज होगा यानी कि C4 डिफ्यूज होगा. वेलोरेंट खेलने के नतीजे यार. यस मैं नहीं बोलता वो अंश जी भी पहले एक ब्लॉक क्लासिक बोल चुके थे. तो जस्ट FPS प्लेयर्स प्लेइंग FPS गेम्स सो इट हैपेंस. यस नहीं प्लांट के बाद इतना फास्ट नहीं जाने का जंगल वगैरह साइड पे बैठ जाने का. सो आई थिंक वापस से अगर आप देखोगे तो डायनेस्टी इज कैरिंग हिज टीम. एंड दिस टाइम अगर आप ऊपर टीम देखोगे जीएसके वो तीन प्लेयर्स 6 किल्स पे बैठे हैं. सोप जो है 2 किल्स पे बैठा है एंड हर्षद इज ऑन 3 किल्स. सो आई थिंक उनको एक प्रॉपरली टीम एनालिटिक टीम गेम प्ले दिखाना पड़ेगा यहाँ पे. बिकॉज आप भी देख सकते हो कि कैसे वो एक टीम की तरफ हमें खेलते हुए नहीं नजर आ रहे एक्चुअली. आई डोंट थिंक उन्होंने कैसे थ्री राउंड लकीली शायद जीत लिए हो बिकॉज उनके कोऑर्डिनेटेड रश नहीं होते. वो आई थिंक ऐसा लगता है कि थोड़ा उलझा हुआ टीम है जो हमारा yes, लेकिन फिर भी उन्होंने कमबैक किया है. कमिटमेंट मुझे दिख रहा है. स्लोली स्लोली दे आर स्नीकिंग इनटू द उसको कम बैक कर दिया यहाँ पे वॉलन ने. वॉलन भी अवेयर थे. गॉड लेवल प्लेयर
तो ही इज अवेयर अबाउट व्हाट आर द सिचुएशंस व्हाट इज हैपनिंग बागो जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया ही एंड आइस क्यूब विल बी planting the bomb. It's 5v5. It's 5v5. Oh, look at that with a shotgun here. He literally dropped that and he will take on one more, I feel. Mr. Logan taking down properly. But why is with his own skills? And Wallen is here at 1 HP. What will he do? Can't do anything. No, yes, he will take down Wallen. And yes, and it is Dynasty. Wow, that was incredible, Molly. Incredible Molly. And Dynasty, I think will. Yes, no, there is this match like Wallen ne unko pura ka pura match plate mein rakh de diya tha. They just need to hold the points. But actually, I must say, Luka Bear had a most advantage of it because उन्होंने एक pick किया था. Nexus वहाँ पे थे. वो nade उनसे गलत हो गया. अगर वो nade सही आता, तो I guess man advantage City वालों के पास. But anyways, that was a flop moment by Luka Bear. उनको Luka good बनना पड़ेगा अभी. Yes. क्योंकि match जीतना है. तो it is 3-6 right now. तो काउंटर टेररिस्ट अपने जो मतलब थोड़ा बहुत कंट्रोल में है 3-6 है बट टेररिस्ट के पास ज्यादा कंट्रोल है 3 राउंड्स का डेफिसिट इट्स अ ह्यूज डेफिसिट सो लेट्स सी कमबैक कभी भी हो सकता है बिकॉज़ लास्ट मैच में हमने देखा कि आप ही थे उस टीम के आगे और एजीएल टेररिस्ट में थे फ्यूज वर्ल्ड ओके आई वाज ऑन पेपर यू वर द आईजीएल एंड इन टीम आई वाज द कैप्टन ऑफ द टीम सो इन गेम कैप्टन चेंज करने की घुसता की और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा एंड डायनेस्टी विल टेक डाउन यस नाइस वन बट कैन यू रिफ्यूज यस But he has a time. Yes, he has the time. He has diffuse kit. No, he doesn't have that. But yeah, he has the time. He can diffuse that. That was an incredible round. Mr. Lubu सही तरीके से अपने टीम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. Wallen का भी अच्छा पसंद है. उसके रिफ्लेक्शन मुझे काफी ज़्यादा पसंद है. I'm fan of his reflection. जो कुछ उन्होंने विंडो से पिक लिया. Then on entrance उनके सामने Mr. Lubu गन चेंज कर रहे हैं. मतलब how dare he can do that in front of Wallen? Big question. Answer in that comment section, please. Right now, how dare he can do that? Do that? Why, mate? Why? I don't understand. Yes. So yeah, we can say that the 4-6. And Rockley 46. Okay. So yeah, mate, you're trying a different accent. Yes. Can you talk in that accent as well? No, I can't. You're trying as well. So it's good. It's 4-6. Let's see what will be the strategy right now because it's 4-6. The match is in total control for both the team. Match can go on either side. Anyways, we don't know. And to the Molly. Yes. Incredible smoke. We destroyed the Molly. Dynasty will take down Jesus. He's just Gunda of this game. Yes, he's just, you know, unleashing his wrath. I guess they have the control of this bomb. Luka Bear is there. Luka Bear took down Wallen so casually, like it was a normal player. And let's see, Rock Lee and Nexus are holding the site right now. But Luka Bear is very low. He's 5 HP, but still he got a pick right now. And Nexus versus Luka Bear, what will he do? क्या उनको पता है कि पीछे या टिकट बोर्ड तो चेक नहीं किया खामियाजा भुगतना पड़ा पर नेक्सस क्लच दिस राउंड फॉर हिज टीम एंड लुका बैड ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग स्लो क्लोज फ्रॉम हिम बिकॉज इट वाज 3-1-1 ऑलमोस्ट बट इनक्रेडिबल प्लेड लुका बैड इट इज कैन यू प्लीज प्रेस टैब 13-0 करना था तो सो हियर इज 9 लुका बैड भी 9 किल्स है इक्वली परफॉर्मेंस है और ग्रेजर आउट आल्सो 9 सो इट वाज इक्वल परफॉर्मेंस डायनेस्टी कैरिंग हिज टीम वॉलन कैरिंग हिज टीम आई गेस दे नीड सम सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट फ्रॉम Next then, Ice Cube is a better player than what this score card is showing you right now. And Rock Lee needs to stand up. Of course, he is underdog player, but yeah, he can stand up. Potential तो हर एक में है. हर एक में है, because this are the very strongest team from Game Institute. Yes. Because Gamecon is hosting the tournament for them. And Lobo pushing it. Ice Cube का Lobo. Lobo का वो move, flop move of the day. Yes. And यहाँ पे आप देख सकते हो Glazers वहाँ पे hold करते हुए. बट आई डोंट थिंक देख लिया आइस क्यूब ने देख लिया बट पीछे भी उनके बंदे बहुत फाइनल बचे बट फाइनली आई गेस टू ये एंड यस लुका बैट ये वॉलन ने और भी लुका बैट को डाउन कर दिया और यहां पे जल जल के चाहते हुए वॉलन ये प्लेयर होगा या रोटेट होगा सो लेट्स सी सोप यहां पे विंडो होल्ड करते हुए सोप यहां पे दो तीन आराम से पांचों के पांचों ले लिया है सोप ने एक को Yes, so it's 3v2. Soap ने balance equal कर दिया अपने टीम का. हरकत ही नहीं आ रही है. 3v2. What is going? 5
थ्री से लेके आई मीन फाइव वर्सेस टू था ये गेम बैलेंस हो गया टू वी टू वी टू पे आ चुका है. वाओ इनक्रेडिबल बट दिस लीग इज स्टिल अलाइव. सीएस2 चैंपियनशिप एट इट्स पीक मैन एट इट्स पीक. क्या मैच देखने को मिल रहा राउंड है सो क्या डाउन है टू यार स्पेशल ये आई स्पीड टू भी डाउन कर दिया मोमेंट ऑफ नेक्स्ट इज क्या कर सकते ओ यार वाओ 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 राउंड बाय जीएस विदाउट डिफ्यूज किट कैन इट बी डिफ्यूज यस इट कैन. स्कोप ने लगातार दूसरी बार बॉम्ब डिफ्यूज किया अपने टीम के लिए. सोप डिस्ट्रॉइंग 99.9% जॉब्स 0.1% कभी बच जाते वो हर्षित डिस्ट्रॉय करेंगे. क्या मैच था क्या राउंड टू लाइक स्टार्टिंग किया स्कोप ने स्टार्ट किया दो किल्स के बाद फिर उसके बाद हर्षित भी ज्वाइन हुए दो किल्स के साथ. टू बी वेरी फ्रैंक वॉलन की टीम के पांच जन जिंदा थे. आई गेस यहाँ पे लैक ऑफ आइजिलिंग था बिकॉज आपके पांच जन हैं तो दो जन वो एंगल क्यों चेक करने जा रहे हैं. एक ने चेक किया उसको पता है प्लेयर है तो होल्ड ऑन दूसरा भी गया दोनों डाउन हो गए उसके बाद तीसरा भी वहां पे होल्ड कर रहा था तो हर्षित ने टेक डाउन कर दिया. सो यहाँ पे कम्युनिकेशन मुझे सिटी वालों का स्ट्रॉन्ग नजर आया. तो ये था एनालिसिस ऑफ द डे ब्रॉट टू यू बाय द शैंक. मेरा कहने से था कि वही कि सबको एक ही एंगल होल्ड नहीं करना चाहिए. आप टेररिस्ट हो आपको पहले बॉम्ब डाउन करना चाहिए बॉम्ब प्लांट करना चाहिए उसके बाद उनको आपके पास आना है ना कि आपको उनके पास जाना है. एग्जैक्टली मतलब ये डायनेस्टी में ऑपरेशन करते तो उनको भी फर्ज बनता था. ये सोप को देखने दे एंड बाय द वे हमारे इन बातों में एक चीज तो रह गई कि साइड्स आर चेंज स्वैप हो चुके हैं यहां पे घाट के मुसबो यहां पे मिशनल लोड इनका जो खौफ है 5-7 लेके ये जो चढ़ रहे हैं सामने वाली टीम पे. ओ माय गॉड एंड वॉलन Warren will take on at least one. Oh yes, of course. Harshal also takes down Rockley. No, he missed it. Oh, he missed it. Warren. No worries. But he has yes, him very, right very, very good amount. But Warren also has a really low ammo. But yeah, Mr. Low again. Warren couldn't do much. But लेकिन ये panic था. At least यहाँ पे 8-6 हमें देखने मिल सकता था. But anyway, जब 8-5 देखने मिल सकता था. But Warren की team ने थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक round extra मिल सकता था उनको. But anyways, they had still that one round. बट उनको उनको इको रहेगा तो आई गेस वापस से इक्वल इक्वल दिखने मिल जाएगा. इट्स 7-7 और मैं आपको और एक बात बोल दूं लुका बैट इन टर्म्स ऑफ टेररिस्ट वो कहीं भी घुस सकते हैं कहीं भी घुस सकते हैं तो वो एक अलग लेवल का टेंशन रहेगा बिकॉज आपका एक मेन प्लेयर खा गया अपोजिट टीम का. तो सपोज अज्यूम करो उन्होंने डेस्टिनी को ले लिया तो वॉलन के ऊपर प्रेशर आ जाएगा. आइस क्यूब थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रही है मैच में. आइस क्यूब को थोड़ा अपना जो पोटेंशियल है एक्चुअल पोटेंशियल वो उनको दिखानी पड़ेगी. एंड लेट्स सी यहाँ पे ग्लेजर्स जो है वो उनके हाथ में मॉली तो थी बट आई थिंक उन्होंने थोड़ा सोचा कि नहीं इस वक्त मॉली नहीं. एंड डायनेस्टी वहाँ पे होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं. सो क्या डायनेस्टी को स्पॉट करे यस डायनेस्टी ने स्पॉट कर लिया वहाँ पे हर्षित को बट उनके ऊपर नेड आते हुए एंड रश कर दिया पूरी तरह से. एंड यस डायनेस्टी विल गो डाउन डब्ल्यू एंड लेफ्ट क्लिक. आप देख रहे थे जो स्टार्टिंग में चल रहा था 0-3 वो अभी आ चुका है 7. दिस CS2 इन CI चैंपियनशिप It's going to be at its peak because हर एक मैच 2-2 जा रहा है हर ये मैच में आप गारंटी बोल सकते हो कि ओटी में भी जा सकता है probably या फिर it will be like 13-11 जैसा लास्ट हुआ था ऐसा ही कुछ होगा. and like Warren teams Warren की टीम को स्टेप अप होना पड़ेगा because वो पहले मैच हार चुके हैं तो this will be very crucial for them. so let's see the round is started it is our 15th round 14 हो चुके हैं and let's see यहाँ पे लुका बैड ने जो है वो rush कर दिया है from बी मेन सॉरी ए मेन एंड पैलेस में बहुत सारे लोग हमें देखने को मिल रहे हैं. मिस्टर लोबो इज इन पैलेस एंड अंडर पैलेस आप देख सकते हो आईजी बाय राउंड करते हुए बाय राउंड है. अच्छा मॉली कौन विन करेगा ये यहाँ पे एक गोली तक नहीं मारने दी यहाँ पे हर्षित को. इट्स टू बी टू और इनको बॉम्ब का प्रेशर रहेगा. यहाँ पे अच्छी पोजीशन में बैठे हैं मिस्टर लोबो के 1 HP पे आई गेस उनको रश करना ज्यादा वेट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. एंड नेक्सस यहां पे 100 HP पे है एंड आई थिंक डायनेस्टी इज आल्सो एट 100 HP बट उन्होंने चेक नहीं किया यहां पे. एंड क्या ओ नेक्सस फोर्थ देखना चाहिए था 1 HP क्लच एंड 8-7 ये काफी क्रूशियल राउंड था बिकॉज़ इसके बाद भी उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नहीं रहेगा.
अभी आप देख सकते हो कैसे कि जो हमारे जीएसके है वो फुल बाई पे है एंड जो हमारे जीकेआर है वो फोर्स बाई पे है। जैसे कि बोला था कि मिराज इज टोटली सिटी बेस्ड लेकिन यहां पे टेररिस्ट जिस तरीके से ब्रूटल अटैक कर रहे हैं उसके मार रहे हैं, इट इज वेरी वेरी क्रूशियल। बट इस वक्त डायनेस्टी एंड वॉलन इस वक्त मिड होल्ड करते हुए एंड हम देख सकते हैं डायनेस्टी एंड नेक्सस डायनेस्टी थोड़ा एग्रो पीक करते हुए नजर आई थिंक वो होल्ड करेंगे येस बट शायद वापस लुका बैड हैज अ शॉटगन एंड ही हैज एडवांटेज ऑन क्लोज रेंज फाइट्स डेफिनेटली ही हैज द एडवांटेज लेट किलिंग आराम से हाउ इट परफॉर्म्स येस उसमें भी अगर आप देखो तो नेक्सस जो है वो वॉलन इज द विंडो की तरफ है एंड लुका बैड जो है वो डायनेस्टी की तरफ ही है सो लेट्स सी दोनों में से कौन एक दूसरे को पहले स्पॉट करता है एंड यहां पे डायनेस्टी ने एक और किल लेते हुए एंड यहां पे डायनेस्टी ऑब्वियसली चार के सामने एक बंदा क्या करेगा एंड उसके बाद गन भी लग गया। ओ यहां पे नेक्सस ने स्कोप को डाउन कर दिया है नेक्सस के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है जो लास्ट टाइम मिस्टर लोगो ने किया वो इस वक्त अभी इसको करना पड़ेगा। ओ नाइस नेक्सस पहले ऐसा लगा कि आई थिंक काउंटर स्ट्राइक इज द गेम एंड काउंटर टेररिस्ट इज अ डिफेंडर एंड अटैकर इज टेररिस्ट यस तो 8-8 हो चुका है यस लेट्स सी राउंड हो चुके टोटल अभी ये 17th राउंड है हमारा हम जानते हैं हर्ष सेम बी देखो कैमरा शेक यहां पे मूवमेंट कैमरा शेक ऑफ द डे यस पिक्चर परफेक्ट मोमेंट ऑफ द डे कैमरा शेक ऑफ द डे तो 8-8 हो चुका है व्हाट्स योर प्रेडिक्शन ये राउंड कौन जीतेगा आई थिंक ये राउंड विल बी फॉर जीएसके अगेन और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि जो कॉन्टेक्स्ट नाइस मॉली बाय वॉलन अच्छा गेम अवेयरनेस वॉलन का जो कि हम एक्सपेक्ट भी करते हैं बिकॉज़ ही इज एन इनक्रेडिबल प्लेयर सो लेट्स सी यहाँ पे ओ स्पॉट तो कर दिया था वहां पे एचपी भी काफी लो है तो जो भी अंडर पास है उनको तो ये रहेगा आइडिया रहेगा कि वॉलन इज देयर इन मिड विंडो यस एंड लोबो ही है वहां पे सो या बहुत अच्छा चांस है लोबो के पास कि एक उनके एस प्लेयर को वहां पे डाउन कर सकते हैं वॉलन Let's see, 5v5 चल रहा है, Wallen is low. And उन्होंने commit करने का फैसला कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो. चार और पांचों जने एक साथ घुसते हुए नजर आ रहे हैं. So let's see, Soap क्या करते हैं यहाँ पे. Bomb इस वक्त I think, Bomb? Luka Bell को take down कर दिया है. Bomb is down right now. वो smoke में है. Yes. So let's see, next is, यहाँ पे, oh. सीधा अगर सोप अगर वहां से जाने की कोशिश करते हैं ये डायनेस्टी ने गलत मूव किया है टू बी ऑनेस्ट हां तो यस ओ सिर्फ भी डायनेस्टी ने किल निकाल लिया यहां पे ओ डायनेस्टी को मूव से उसको सही किल्स मिले यस एंड यहां पे हर्षक ने वहां पे रॉकली को टेक डाउन कर दिया एंड थोड़ा सा एग्रो पिक लेने की कोशिश आई डोंट सी लाइक कि वहां पे एक्सेस को जो सी फॉर प्लांट हुआ लाइक काउंटर दिस और एक ओ यहां पे टाइम आउट किया हर्षक ने एटलीस्ट उनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करने का काम तो कर दिया हां तो गुड मूव 9-8 अभी ये राउंड भी काफी क्रूशियल है अगर तीन का डेफिसिट हो जाएगा तो जो भी टीम अभी यहां पे तीन राउंड जीतेगी ना उसका पकड़ा भारी रहेगा यस वैसे तीन राउंड के बाद तो ऐसे ही मैच पॉइंट आ जाएगा अग्री ऑब्वियसली पकड़ा भारी ही हो जाएगा सो लेट्स सी कहाँ पर जाता है ये मैच इस वक्त अगर आप देखोगे टीम के ये तो आप देख सकते हो कि जो जीएसके पूरा परफॉर्म कर रही है लाइक चार प्लेयर्स उनके 10 प्लस किल्स पे एंड सोप इज ऑन 9 किल्स एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रॉकली इज ओनली 3 किल्स एंड बाकी के चार 10 प्लस किल्स करके बैठे हुए सो आई थिंक रॉकली इज द की अगर रॉकली यहाँ पे एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए तो लुका बैड यहाँ पे डाउन होते हुए बाय आइस क्यूब एंड डायनेस्टी यहाँ पे अर्शद को डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं हमें
पूरा बीप हम देख सकते हैं मेन से और मेन से हमला करते हुए बट मिस्टर लोबो टेक डाउन नेक्सस एंड लेजर्स या पे आइस क्यूब ऊपर अनलीश करते हुए शायद से सर आपके आइस क्यूब बोल्ड करते हुए ओह आइस क्यूब ने अच्छा क्रॉसर प्लेसमेंट था वहां पे बट Lasers out, finally will take down yes. Ice Cube and this C4 has been planted, bomb को तो plant कर दिया, it's 2v2, कहीं पे भी ये match जा सकता है, because just plant हुआ है, they are such, अरे यहाँ पर, oh, no, one, what, ah, nice, and yes, but it could have cost him, oh, nice, यहाँ पे counter strike और एक round लेके जाएगा, yes, and as I told you, और एक round लेके गया, मतलब city का पकड़ा भारी हो जाएगा, it is like, उसी में चले जाए तीसों की तरह चल रहे हो एक राउंड में एक राउंड एक राउंड में अभी तो काफी बैलेंस है अगर और एक राउंड अगर बॉलिंग की टीम जीत गई तो आई एम 100% श्योर कि बॉलिंग विल क्लिच दिस मैच फॉर श्योर विदाउट एनी सिंगल डाउट इन माय माइंड यस सो लेट्स सी सो दिस इज अ होल टूर्नामेंट ऑफ गेम इंस्टीट्यूट इन हाउस टूर्नामेंट ब्रॉट टू यू बाय गेमिकॉन के चैनल पे लाइव होस्ट हो रहा है जो मजा आ रहा है पहला मैच सोलो सेकंड मैच Also, do 10-8. How? Next, हर एक मैच ऐसा ही देखने मिलेगा. And trust me, OT is not too far. एक OT आपको देखने मिलेगा. OT यानी क्या होता है? Overtime. तो आप लोगों के हम किसी की OT भर रहे हैं. तो गलत है. Yes. थोड़ा मराठी जोक. थोड़ा पांचट विनोद. Anyways, we will move on to GIPL, Game Institute Premier League of CS2. Yes. And हमारे teams भी वैसे ही है PL की तरह, IPL की तरह. जी हाँ, घाटकोपर सुपर किंग्स यहाँ पे टेररिस्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं और घाटकोपर नाइट राइडर्स जो है वो सिटी है. Yes, डायनेस्टी आप देख सकते हो होल्ड करते हुए वहाँ पे लुका बैड को होल्ड करते हुए. लुका बैड ने साउंड तो दे दिया है. डायनेस्टी माइट बी अवेयर ऑफ इट. Yes, बट उनके ऊपर पैलेस में आप देख सकते हो बहुत ही गिचड़ी पिचड़ी मची हुई है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आइस क्यूब ने अपने स्पॉट अपने ही टीम को शायद फायर हाँ, किया था हाँ, उनको थोड़ा पैनिक अटैक आ रहेगा हर्षद और ये मुझे लग रहा है कि काफी डाइसी मूव है टी वालों की तरफ से बिकॉज़ अगर डर के खेल एक अच्छा नेड पैलेस में आता है डायनेस्टी टीम का बट यहां पे नेड हो वहां पे आप देख सकते हो एंड यहां पे बॉलर हो गया क्रॉस फायर में बैठे थे अगर उन्होंने डायनेस्टी को स्पॉट नहीं किया एक भी प्लेयर है तो ये ऐसा ही होना था अभी पिक करेंगे लोगों तो लोगों भी जाएंगे शहीद लोबो ऑलमोस्ट होल गया हो ही गए एनीवेज जैसे कि मैंने बोला था और एक राउंड और ओनली टू राउंड्स टू गो इफ अगर दो राउंड वॉलन की टीम जीती है और दैट इज द मैच फॉर देम 101% और मैं जिस तरीके से टेररिस्ट मूव कर रहे हैं दे आर लो इन कॉन्फिडेंस अभी तक तो मतलब उन्होंने कॉन्टेक्स्ट लेना चाहिए था बिकॉज़ वो ए मेन पे ही थे सब कुछ यूटिलिटीज भी यूज हो चुकी थी लेकिन अंदर नहीं गए दैट वाज एन वर्स्ट एडवर्स इफेक्ट मेरी तरफ से टीम इक्वली परफॉर्म कर रही है लेकिन मिशन लोगों को जो सपोर्ट चाहिए था जो ग्लेजर्स आउट फाइनली या सूप से मिलना था वो नहीं मिला एंड इवन लुका बर्ड के भी हम बात करेंगे लुका बर्ड मुझे एक चीज ऐसी लग रही है कि वो हर बार है ना बहुत एग्रेसिव खेलता है ऐसा लगता है लाइक हाँ तुम टेररिस्ट हो तुम्हें एग्रेसिव खेलना बनता है बट इट इज लाइक ज्यादा ही एग्रेसिव यहाँ पे डायनेस्टी बिल्डर लुका मिस्टर लोबो सो या तुम्हारा उनका एस प्लेयर इज डाउन राइट नाउ फॉर जीके जीएसके मैं देख रहा हूँ लेट्स सी क्या वो अर्शद को स्पॉट करते हैं अर्शद को इजीली स्पॉट कर दिया लेकिन अभी स्मोक की वजह से अर्शद इज अलाइव राइट नाउ लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे अच्छा खासा स्लैश फ्लैश एंड बच गए किल हो मिलेगा यस इजी एक एक करके भी कर रहे तो इट विल बी डिफिकल्ट यस एंड यहां पे एक अच्छा नेड यहां पे देख सकते हैं ग्लेजर्स ऑलमोस्ट इज डेड एंड वहां पे सोप अगर आप देखोगे तो सोप पूरी तरह से ओह सोप रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे थोड़ा बाहर भाग चुके थे बट देन ही डिसाइडेड हाथ में सोप लेके पिक कर रहे हैं ये मेरा वाला एंड वाओ ये आइस क्यूब ने भी खुद को पिघाल लेके एकदम कोशिश की है यस यहाँ पे ग्लेजर्स आप देख सकते हो बहुत लो है एंड ए पे कमिट करने की कोशिश लेकिन उनको शायद पता नहीं कि रॉकली इज होल्डिंग ए विद आइस क्यूब 2-4 वेरी क्रूशियल वॉलन अकेले डाउन है आइस क्यूब अगर राइट नहीं देखोगे करते हैं टीम क्यूब भी करती है यस आइस क्यूब अगर आप राइट नहीं देखोगे तो बहुत मुश्किल होगी एंड यस प्रेजेंस मिल चुकी है थोड़ा लेट फायरिंग ओह यार रॉकली का हेडशॉट रॉकली ने ब्रोकली खा के डाउन कर दिया है यहां पे आइस क्यूब विल टेक डाउन दिस इज अ मैच पॉइंट यस मैच अगर मिस्टर लोबो ने सही स्ट्रेटजी नहीं बनाई तो उनकी टीम पहला मैच हार जाएगी और वॉलन की टीम दो मैच जीत जाएगी मतलब दो मैचेस खेले उसमें 1 विन को 50% श्योर यस और वॉलन आई 50% विन के श्योर हालांकि टीम जो है पर सुपर किंग्स उनको अपना पहले हार फेस करना पड़ेगा पहले हार लाइक बट इन रियल लाइफ ऐसे तो आप अगर देखोगे तो हालांकि टीम पहली मैच जीती
भाई भी हाँ ये थाला नकली थाला अटैक कर रहा है यस एंड लेट्स सी अगेन विद अ शॉटगन हियर थाला एंड उनके पास ही स्पाइक भी है शैंक्स ने जस्ट किया दैट लग चुकी है I'm so sorry to spread this virus with you. But anyways, Vejo out finally. Build was a huge kill of the match because Vejo out एक important asset है अपने team के लिए. Yes, and yes, so side पे तो घुस चुके हैं, but अपना bomb भी नहीं है उनके पास. I'm sure we'll take down. और साबुन की मारा मारने में. और एक फटका, एक का झटका. And अकेले Mr. Lobo बचे हैं. So 1v2 situation where और एक्चुअली यस पॉसिबल यस उनका एक्चुअली इट इज एस प्लेयर वर्सेस एस प्लेयर मैच ओह मेरे को लगा नहीं मिस्टर लोगो भाग के क्यों जा रहे थे टाइम डिसेंट अमाउंट था बट एनीवेज वॉलन की टीम यानी हार्डकोर राइट राइडर्स को मिल चुकी अपनी